हे एवरीवन, आर यू गुड? लास्ट टाइम हमने जिमिन की पोयम देखी थी और जिमिन से बड़े हैं आरएम। आरएम एक सॉन्ग राइटर हैं, तो समझ जाओ उन्होंने कुछ अलग ही लिखा होगा। आरएम कह रहे कि मैंने उतना सीरियस नहीं लिखा है जितना तुम सोच रहे हो। आरएम अपनी पोयम पढ़ना शुरू करते हैं। आरएम की पोयम का टाइटल है आई रिमेम्बर, मुझे याद है। मुझे याद है त्योंग का हाफ बज, जंगकुक की बड़ी आंखें, एसिड से धुली हुई जीन्स, जेहोप की ग्रे गद्देदार जैकेट, युंगी की नीली स्वीट पैंट और जीन जब डैडी जोक नहीं बोलते थे, जिमिन की चबी बॉडी। मुझे याद है हमारी हान नदी, हमारी बाइक्स, हमारा शोकेस, हमारा मसालेदार खाना, हमारी वेटिंग रूम की कुर्सियाँ, हमारा खून, पसीना और आंसू। ये सारी यादें मेरे दिल के सबसे गहरे कोने में है। वो सारी यादें कोरियाइन वर्ड गियोग की तरह है, मेरी अनमोल पहली यादें जो आज भी मुझे ये यादें याद हैं। तो आज फिर गियोग मेमोरी। तो ये थी आरएम की पोयम। आरएम यहाँ अपनी पहली मेमोरी याद कर रहे हैं कि उन्होंने अपने मेंबर को पहली बार कैसे देखा। जैसे वी का हाफ बज, बज मतलब हल्की आवाज़। हो सकता है आरएम जब वी से पहली बार मिले हो तो वी बहुत कम बोलते हो या धीरे बोलते हो, इसलिए आरएम कह रहे हैं कि वी का हाफ बज। जंगकुक की बड़ी आंखें, जेहोप की ग्रे कलर की जैकेट, शुगा की नीले रंग की स्वीट पैंट और जिमिन की चबी बॉडी। आपको तो पता है कि जिमिन पहले मोटे थे। और जिन जब डैडी जोक नहीं बोलते थे, जिन को जोक कहने की बहुत बड़ी आदत है पर जिन ऐसे जोक बोलते हैं जो उनके अलावा और किसी को समझ नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल ये, आगे आरएम ने कहा कि उन्हें अभी भी याद है हान नदी और उनकी बाइक्स। हमने बीटीएस रन के टेलीपैथी वाले एपिसोड में देखा था ना कि सब एंड में जाकर हान नदी पर मिले थे, याद आया? अब पता चला हान नदी पार्क बीटीएस को इतना खास क्यों है। खैर, आरएम ने कहा कि उन्हें याद है हान नदी, हमारी बाइक्स, हमारा शोकेस, हमारी कॉन्सर्ट, हमारा वो मसालेदार खाना, हमारी वेटिंग रूम की कुर्सियाँ। कॉन्सर्ट करने से पहले सब वेटिंग रूम में अपनी अपनी बारी का वेट करते हैं ना। और हमारा खून, पसीना, आंसू मतलब मेहनत, उनकी मेहनत। तो आरएम ने आगे कहा कि ये सब यादें मेरे दिल के सबसे गहरे कोने में हैं, ये मेरी गियोग यादें हैं। कोरिया में गियोग का मतलब होता है पहला, फर्स्ट। तो ये आरएम की सारी पहली यादें हैं, मेरी गियोग मेमोरी, मेरी पहली यादें। वैसे मानना पड़ेगा आरएम को, उन्हें कपड़े तक याद है कि पहली बार किस मेंबर ने क्या कपड़े पहने थे। अच्छी पोयम थी ना। पहली मुलाकात सबको याद होती है ना? मतलब अगर कोई इंसान खास बन जाए तो उससे पहली मुलाकात हमेशा याद रहती है। हाँ जी, तो कैसी लगी? तुम्हारी अपने दोस्तों के साथ पहली मुलाकात याद है तुम्हें? है तो कमेंट में ज़रूर बताना। आरएम से बड़े हैं जेहोप, तो कल हम जेहोप की पोयम को देखेंगे जिनका टॉपिक है सीड मतलब बीज। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं, अपना ध्यान रखना। बाय बाय।